हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस वाले। तो फ्रेंड्स, आज मैं जहां पर खड़ा हूं वो एक सेब का पेड़ है। तो फ्रेंड्स, इसमें हैरानी की बात तो नहीं है कि मैं किसी सेब के जो पेड़ के पास खड़ा हूं, लेकिन एक चीज़ है जो आपको हैरान कर देगी। फ्रेंड्स, मैं आसाम में या कहीं किसी पहाड़ी इलाके में नहीं खड़ा हूँ, मैं एक हरियाणा के छोटे से गाँव परबूवाला के अंदर खड़ा हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप पहाड़ी एरिए में जाते हैं, ठंडे एरिए के अंदर जाते हैं, वहाँ पर सेब मिलना बहुत ही नॉर्मल बात है। लेकिन अगर किसी हरियाणा के छोटे से गांव के अंदर अगर सेब की खेती हमें देखने को मिलती है, तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो सेब हैं, लगभग जो गोल्डन एप्पल होता है ना फ्रेंड्स, उस तरह का ही इसका कलर बनता है। और ये जो सेब बाहर से आता है उसके मुकाबले काफ़ी मीठा भी होता है। क्योंकि आपने ज़्यादातर देखा हो, जो गोल्डन एप्पल बाहर से आता है उसमें थोड़ा बहुत खट्टापन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर जो एप्पल तैयार होता है इसके अंदर खट्टापन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसी के ऊपर होने वाली है कि हम गर्म क्षेत्र के अंदर भी किस तरीके से सेब की खेती कर सकते हैं, किस तरीके से हरियाणा के किसान भी इस चीज़ को उगाकर उससे मुनाफा ले सकते हैं, इसी के ऊपर आज का वीडियो होने वाला है। और इसके लिए मैं जो शिव शंकर जी हैं उनसे मैं पूछूंगा कि किस तरीके से इसको उगाया जाता है, कहां से इसकी जो प्योद है उसको लाया जाता है, किस तरीके से इसके अंदर कितना पानी डाला जाता है, किस दिनों के अंदर इसको उगाया जाता है। तो सारी चीज़ें अब डिस्कस करेंगे शिव शंकर जी से। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि इसको सबसे पहले इसके लिए कितना टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसके बारे में जानेंगे कि इसके अंदर जो मिनिमम टेम्परेचर है कितना होना चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो ये एप्पल है आपने हरियाणा के अंदर लगाया है, तो यहाँ पे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो इस टेम्परेचर में ये हो पाएगा यहाँ? हाँ जी सर, यहाँ का जो अपना हरियाणा का जो हिसार जिला का टेम्परेचर है सबसे ज़्यादा है, ये 45 प्लस भी हो जाता है। और ये आप देख लो, आज भी धूप बड़ी ज़बरदस्त धूप निकली हुई है। बिल्कुल, जब यहाँ पे खड़े तो धूप बहुत ज़्यादा यार, ये लगी हुई है एप्पल, खूब अच्छी लगी हुई है पौधे को। हाँ जी, मैं वही देख रहा हूँ, बिल्कुल ये फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल लदा हुआ है पेड़। देखिए यहाँ पे भी काफ़ी कितना फल इसके ऊपर आया हुआ है, और 1% भी ये नहीं लग रहा है कि ये सेब किसी भी तरीके से इसके अंदर कोई डिफेक्ट है या कोई भी इसके अंदर कोई भी ऐसी कमी हमें देखने को मिले कि जिसकी वजह से इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो। तो सर, तो इसमें टेम्परेचर का कोई चक्कर नहीं? कोई चक्कर नहीं, ये है ही हाई टेम्परेचर की वैरायटी। अच्छा जी, तो ये ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर ही इसको उगा सकते हैं? 47 तक सहन करेगी, 47 डिग्री सेल्सियस तक ये सहन करेगी, सहन करने की क्षमता है। तो दोस्तों, ये जो सेब है, अगर आप इसको अपने खेत के अंदर या अपने कहीं भी किसी एरिया के अंदर लगाते हैं हरियाणा के अंदर, तो इसके अंदर 47 डिग्री टेम्परेचर तक सहन करने की क्षमता है। इतने तक ये टेम्परेचर को सहन कर लेगा, जो कि आपने पता है ठंडे एरिया के अंदर ही सेब होता है, सेब माइनस में होता है, माइनस में ही होता है सेब। तो अब सर, एक चीज़ और, जो इसकी जो प्योद है उस वो कहाँ से लाई जाती है, मतलब कहाँ से इसको? मैं हिमाचल से लेके आया था इसकी प्योद। हिमाचल कहाँ से सर? हिमाचल में यूनिवर्सिटी एक, उससे लेके आया था मैं, हिमाचल की एक यूनिवर्सिटी से, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने मित्र मेरे, उन्होंने दी थी मेरे को। तो फ्रेंड्स, अच्छा जी, तो फ्रेंड्स देखिए, शुरुआत कहीं ना कहीं से एक बार होती है, उसके बाद वहाँ से फिर एक लाइन चल पड़ती है। तो फ्रेंड्स, मैं जहाँ से ये यूनिवर्सिटी से ये प्योद मिलती है उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि ये किस यूनिवर्सिटी से कहाँ से ये मिलती है, मैं कंप्लीट इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। और फ्रेंड्स, पहले इसकी जो ग्रोथ है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा एक प्रॉपर एड्रेस दूंगा कि ये प्योद आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो सर, अब एक चीज़ और, ज़मीन का कोई होता है इसके ऊपर? नहीं, ज़मीन तो अपने सभी हरियाणा की एक सी अलग, ठीक है ज़मीन। नहीं, जैसे अगर थोड़ी रेतीली ज़मीन हो तो उसका कोई फर्क नहीं पता सर, उसके बारे में तो मेरे को नहीं पता, मेरी दोमट मिट्टी है। अच्छा जी, तो ये चिकनी मिट्टी है, तो इसके अंदर ये अपना ये हो जाती है आराम से। ये 3 साल का पौधा है। अच्छा, ये 3 साल का है? हाँ जी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 3 साल के अंदर ही जब हम अमरूद लगाते हैं ना फ्रेंड्स, बोलते हैं कि अमरूद से जल्दी कोई पौधा तैयार नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये एप्पल है और ये एप्पल का पेड़ 3 साल के अंदर इतना बड़ा हो चुका है, और इसके अंदर भी कम से कम ये मान के चलिए इसके ऊपर 15 से 20 किलो एप्पल आपको आराम से तैयार हो जाएंगे एक पेड़ के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अब आगे जानते हैं इसके बारे में।
अच्छा जी, ये सारा ड्रॉपिंग सिस्टम? हाँ जी, ड्रिप पे लगा हुआ है, 15x15 की दूरी, इसमें पौधे से पौधे की दूरी 15x15, एक एकड़ में लगी हुई है। अच्छा जी, तो फ्रेंड्स अब इसमें एक चीज़ और आपने नोटिस की कि आपको इसके लिए ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप कम पानी में ही काम चला सकते हैं। जैसा कि जितनी भी शिवशंकर जी जितनी भी खेती करते हैं वो कम सिंचाई वाली ही करते हैं, इनकी सिंचाई पे पूरी 25 एकड़ टपका सिंचाई पे, जितनी भी आपकी ड्रिप सिस्टम पे, तो ये जितनी भी करते हैं ड्रिप सिस्टम पे ही करते हैं, मतलब ये ध्यान रखते हैं कि कम से कम पानी इसके अंदर यूज़ किया जाए। और फ्रेंड्स अब हम जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या दवाई या क्या कुछ खाद इसके लिए अंदर क्या रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ा और पता कर लेते हैं। सर जमीन कोई भी हो या कुछ अलग से डालना? नहीं, हमने कुछ नहीं डाला इसमें, कोई स्प्रे नहीं किया इसके ऊपर, हमने खाली गोबर की गली सड़ी पुरानी खाद डाली है, सिर्फ प्योद लेके आए और गली सड़ी खाद डाली। हाँ, और कोई स्प्रे नहीं किया अभी तक, अभी तक इसके ऊपर कोई स्प्रे नहीं किया। 3 साल का ये पेड़ है, इसके ऊपर कोई स्प्रे नहीं किया, कोई बीमारी नहीं अटैक हुई इस पर अभी तक, कुछ नहीं, बिल्कुल अच्छे तंदुरुस्त पौधे। हाँ ये मैं देख रहा हूँ सर, यहाँ पे इसके अंदर फिलहाल कोई भी किसी तरह की ना तो इसके अंदर कोई बीमारी है, और ये सेब भी जो देख रहे हैं हम काफ़ी हेल्दी हैं, तो इसके अंदर भी ऐसा कुछ मेरे को देखने को मिला नहीं। अगर इसके अंदर आपने सिर्फ नॉर्मल खाद डाली है तो उसके हिसाब से तो फ्रेंड्स आप एक चीज़ करिए, एक समझ लो 20 किलो करीब गोबर की खाद डाली है हमने, एक एक पर पौधा की। तो फ्रेंड्स नॉर्मल खाद जो हम गोबर से बनती है वो इसके अंदर 20 किलो खाद एक पौधे के अंदर डलती है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा स्प्रे या कोई भी अलग टेक्निक आपको नहीं करने की ज़रूरत है। आप यूनिवर्सिटी से प्योद लेकर आएँ, यहाँ पर लगाएं और उसमें देसी खाद डालें, और बस उसके बाद ड्रॉपिंग सिस्टम से इसके अंदर पानी डालना स्टार्ट कर दें, और आप देखेंगे कि देखते ही देखते ये 2 से 3 साल के अंदर आपका ये जो है पेड़ तैयार हो जाता है, वो फल देने लगता है। अब जो देखने वाली बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए फ्रेंड्स ये जो यहाँ पर ट्रायल है ये सिर्फ 1 एकड़ के अंदर हुई है, और इन भाई साहब ने सिर्फ ट्रायल के लिए ही इनको लगाया है, ठीक है। और इसके अंदर जितने भी ये पेड़ पौधे इन्होंने लगाए हैं इनका जो फल है बहुत अच्छा आया हुआ है, और ये पेड़ पौधे भी काफ़ी स्वस्थ और काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। तो फ्रेंड्स इनके हिसाब से तो ये इनका मानना है कि हम एप्पल की खेती यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स एक बात तो आप भी जानते होंगे, जब कोई चीज़ नए तरीके से की जाती है, नए कोई चीज़ हमारे किसी एरिया के अंदर लाई जाती है, तो उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो सामने निकल कर आती हैं बाद में। तो अभी तक ये 3 साल का पेड़ है और इसके ऊपर फल फ्रूट है वो काफ़ी अच्छा लगा है, और शायद ये आगे भी जब ये पूरा तैयार हो जाएगा, किसी किसान भाई को देखना तो ये आके खेत में देख भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा कि शिवशंकर जी बोल रहे हैं कि अगर आपको ये जो पेड़ हैं किस तरीके से लगाए गए हैं, किस तरीके इनके ऊपर फल आया हुआ है, अगर आप देखने के इच्छुक हैं, लगाने के इच्छुक हैं, तो इन भाई साहब के पास यहाँ पर प्रभु वाला गांव जो कि उकलाना के अंदर पड़ता है, आप वहाँ पर आकर इनको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने पहली वीडियो के अंदर भी बोला है कि शिवशंकर जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं नई टेक्निक को लाने की, और कोई भी किसी भी तरह की जो भी नई फसल या जो इन्हें दिखाई देती है कि ये यहाँ पर कामयाब है या फिर ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ये उसको यहाँ पर अपने खेत के अंदर उगाने की कोशिश करते हैं, और सभी किसान भाइयों को जितनी हो सके जानकारी और मदद ये देते हैं। तो फ्रेंड्स अब इनसे जानते हैं सिर्फ एक छोटी सी बात कि जो ये एप्पल इन्होंने लगाए हैं, जो ये एप्पल जो इन्होंने लगाए हैं, क्या ये इसका एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, या 1 एकड़ के अंदर ही इन्होंने सिर्फ ट्रायल के लिए ही इनको लगाया है, या आगे लंबे समय के लिए इसके लिए कुछ सोचा है। तो सर एक छोटी सी बात कि जो आपने ये एप्पल लेके आए, सिर्फ आपने बोला कि सिर्फ ट्रायल के लिए लेके आए, अगर आपको लगता है कि अगर जो ये अभी इसके ऊपर जो फल आया है ये काफ़ी अच्छा मात्रा में और काफ़ी अच्छा तैयार हो जाता है, तो क्या आप इसको आगे बढ़ाएंगे? हाँ बढ़ाएंगे, मैं मेरे फिर किसान मित्रों को भी सभी किसान भाइयों को बोलूँगा कि भी आप इसे बढ़ाएं, एक साल में एक और देख लेता हूँ, एक साल अगर कोई किसान भाई अगले साल भी आके देखना चाहता है भाई अच्छे हमारे हरियाणा में कामयाब है, तो सभी किसान भाई लगाओ तो इनके ऊपर हमारा हरियाणा का नाम रोशन होगा। हाँ जी बिल्कुल। तो अब जो इनके ऊपर जो फल आता है सर वो 12 महीने वाला है या किस तरह? नहीं नहीं सर, ये इसका जो फूल आया था ये जनवरी में आया था, और अब ये देख लो मई जून में ये पक्के, जून जुलाई में पक्के थे, तो ये जून जुलाई में रेडी हो जाएगा, और मई के अंदर इसके अंदर ये फूल आया था सर, इसको जनवरी के अंदर, सॉरी। तो इसके अंदर एक चीज़ छोटी सी बात और सर, इसका कोई लगाने की टाइमिंग है या किसी भी? नहीं, पौधा ये दिसंबर में लगता है, दिसंबर के अंदर साल के एक बार, सबसे बढ़िया जब उस टाइम पे ठंड होती है, उस टाइम पे ठंड के दौरान ही इसको लगाना चाहिए, लगाने का टाइम ठंड होना चाहिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी जानकारी
इस एप्पल की खेती के बारे में इन्होंने बताई है। एप्पल की फसल को आप किस तरीके से हरियाणा के अंदर आप इसको उगा सकते हैं और उससे प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अभी तक शिवशंकर जी का मानना ये है कि इन्होंने ट्रायल के लिए इसे लगाया है, और जब इनकी ट्रायल कामयाब हो जाती है और ये इस चीज़ में कामयाब हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स आपके लिए भी एक कमाई का अलग से रास्ता खुलने वाला है, और सभी किसान भाइयों को इसके लिए अच्छे से ये बताएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर फिर भी आप आकर देखना चाहते हैं तो प्रभुवाला गांव के अंदर शिवशंकर कृषि फार्म है, वहां पर आप इसको आकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। देखते रहिए PS वाले।